अभी तक आपने रेगुलर लैपटॉप्स देखे होंगे या फिर फोल्डेबल लैपटॉप्स देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस लैपटॉप की बात करने वाले हैं वो दुनिया का पहला एक ट्रांसपेरेंट लुक वाला लैपटॉप है जिसमें आप एक्चुअली में आर पार देख सकते हैं। और इसे इंट्रोड्यूस किया गया है MWC 2024 यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में। तो ये ना टेक इवेंट होता है जिसे हर साल होस्ट किया जाता है और सबसे बड़े टेक इवेंट्स में से जाना जाता है। और इस इवेंट में बैक टू बैक नए गैजेट्स लॉन्च किए जाते हैं और ये यूनिक गैजेट्स होते हैं। तो इसी सेगमेंट में लेनोवो ने अपने इस पहले ट्रांसपेरेंट लैपटॉप को शोकेस किया था। अब खास बात ये है कि ये लैपटॉप का सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं, इसका जो कीपैड वाला पार्ट है वो भी ट्रांसपेरेंट है और इसमें एक फ्लोटिंग फुट पैड भी दिया गया है। तो ये सारे फीचर्स इसको बिल्कुल हटके बनाते हैं दूसरे लैपटॉप से। अब इसमें 17.3 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले दिया गया है और भी बहुत अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एक बॉर्डरलेस स्क्रीन है। तो जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना इस लैपटॉप का वो बहुत अमेजिंग है। कुछ पिक्चर्स भी आए हैं, कुछ विजुअल्स आप देख सकते हैं, उसमें शोकेस किया गया है कि लैपटॉप एक्चुअली में दिखता कैसा है। सो इसका जो डिस्प्ले है उसमें आपको 1000 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस सपोर्ट मिलती है और साथ ही इसमें हाई रिजोल्यूशन दिया है। जब आप कंटेंट स्ट्रीमिंग इस पर करेंगे तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। और साथ ही ये एक एमोलेड पैनल है और साथ ही इस लैपटॉप में जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो एक एमोलेड नहीं बल्कि एक माइक्रो एलईडी डिस्प्ले है। सो माइक्रो एलईडी डिस्प्ले जो है वो और दूसरे डिस्प्ले से बेहतर सैचुरेशन, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस और बेटर इमेज क्वालिटी ऑफर करता है और ये ओलेड डिस्प्ले का एक अल्टरनेटिव है। और ये आपकी आईज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कामिंग होता है और आपकी आईज़ के लिए बहुत कंफर्टेबल भी होता है। तो साथ में इसमें लेनोवो ने अभी ये नहीं बताया कि किस हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस रोल आउट नहीं किए हैं, लेकिन लुक से ही ये पता चल जाता है कि इसके डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। सो ये जो लैपटॉप है ये विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ सकता है। तो कंपनी ने इसके ना एक कॉन्सेप्ट वीडियो जो है वो भी लॉन्च किया है जिसमें देखा जा सकता है कि फ्लैट टच कीबोर्ड इसमें दिया गया है और कीबोर्ड और जो डिस्प्ले है ना दोनों ही ट्रांसपेरेंट लुक में दिख रहे हैं, जो उसको बहुत एक यूनिक लुक दे रहा है, अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। और अब आजकल जो यूज़र्स के बीच में डिमांड है वो सेम प्रोडक्ट्स की है जो कुछ डिफरेंट दिखते हैं रेगुलर प्रोडक्ट्स से। सो कंपनी का मानना ये है कि जो ट्रांसपेरेंट लैपटॉप डिज़ाइन किया गया है पर्टिकुलरली आर्टिस्ट, आर्किटेक्चर्स, इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जिससे वो स्केचिंग ईजिली कर पाएंगे। और साथ ही जितने भी क्रिएटर्स हैं जो डेली बेसिस पे ड्राइंग्स करते हैं या फिर हाई क्वालिटी वाले ग्राफिक्स यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए भी पर्पसली बहुत अच्छा होगा। तो अभी तो फुल डिटेल सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर ये लैपटॉप ग्लोबली ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है लेकिन इंडिया में जब लॉन्च होगा या फिर ओवरऑल दूसरे मार्केट्स में जब लॉन्च होगा तब इसका प्राइस रिवील किया जाएगा। तो अभी तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। तो आपको कैसा लगा है दुनिया का ये पहला ट्रांसपेरेंट लैपटॉप और आपका क्या ओपिनियन है कि एक्चुअली में क्या मार्केट में आके गेम चेंजिंग लैपटॉप हो सकता है या फिर लैपटॉप मार्केट में ये एक चेंज हो सकता है उन लोगों के लिए जो कुछ नया खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं या फिर उनको लगता है कि यार हम रेगुलर लैपटॉप से ना बोर हो गए, तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।